गुजरात के सूरत में तमाम कपड़ा फैक्ट्री ठप पड़ी हैं, उनमें काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। तो वहीं बिहार के खगड़िया में एक बैंक की महिला अधिकारी अपनी नौकरी और मां का फर्ज निभाने के लिए बच्चे को बैंक में ले जाकर ड्यूटी कर रही है। नोटबंदी पर दो और शहरों का हाल। नोटबंदी के बाद से देश के लाखों करोड़ों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है। एशिया का टेक्सटाइल कहलाने वाले सूरत में कपड़ा कारोबार लगभग ठप है, फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसकी वजह से तमाम कर्मचारी और मजदूर अपने गांव घर लौटने के लिए मजबूर हैं। गांव जा रहा हूं इसके लिए सर कि पैसा बराबर मिलता नहीं है, यहां भी पैसे का बहुत तकलीफ है। काम करता हूं तो पैसा मिलता नहीं है, तो पगार हो नहीं रही बराबर। क्यों पैसा नहीं मिल रहा, क्या कारण? तो पैसा अभी बैंक में मिलता नहीं है बराबर, काम धंधा नहीं चला इसलिए हमें बैठे हैं। बैठे नहीं क्या करेंगे, गांव जा रहे हैं, खर्चा पानी कौन चलाएगा। नोटबंदी का सबसे बड़ा असर बैंकों पर पड़ा है, क्योंकि नोट बदलने और रुपए जमा करने का सारा सिस्टम बैंकों से ही चल रहा है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों के संघर्ष की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बैंक कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ड्यूटी करने के लिए मजबूर है। बिहार के खगड़िया में इलाहाबाद बैंक के अधिकारी कंचन प्रभा अपनी 6 महीने की बेटी के साथ ड्यूटी करती है। 9 बजे जाता है जाने। क्या आपका इससे काम प्रभावित नहीं होता है, बच्चे का? तो खैर प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर लोग भी देख ही रहे क्या स्थिति है, भीड़ भाड़ है, तो उस हिसाब से कर लेते हैं। बैंक की नौकरी और माँ का फर्ज दोनों एक साथ निभाने वाली कंचन को देखकर लगता है कि हौसलों से कैसे मुश्किल हालात को हराया जा सकता है। मगर देश के लाखों करोड़ों लोगों की समस्या काफी बड़ी है। नोटबंदी ने लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिया है। खगड़िया से स्वतंत्र सिंह के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।